कंटिन्यूसली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जब गृह मंत्री जी जब ले आए थे, हमने टेकअप किया हुआ है। और ऑनरेबल एमपी साहब के रिजिग्नेशन को लेके ऑनरेबल एमपी श्री थुपस्तान सेवांग जी हम सबका एक आदरणीय वरिष्ठ नेता है, हम उनके गाइडेंस में आगे भी चलेंगे। लेकिन उनकी रिजिग्नेशन को लेके मैं आज यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ना मैं पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, ना मैं ऑनरेबल एमपी साहब का स्पोक पर्सन हूँ। डेवलपमेंट काउंसिल ने भी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके हमने हाउस में एक रेजोल्यूशन मूव करके पास करके हमने इसका ज्ञापन सारा सौंपे हुए। एक स्पेशल जनरल काउंसिल सेशन बुलाया था जिसमें कुछ रेजोल्यूशंस आए थे, वो हमने पूरी हमने चर्चा किया था, डिस्कस किया, डिलीवरी किया। तो उसी के आधार पे जो उसमें एक इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन ये था, लद्दाख को एक डिविजनल स्टेटस दिया जाए, जिस तरह आपका जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन है, उसी तरह लद्दाख को एक अलग से डिवीजन बनाया जाए। वो रेजोल्यूशन यूनिनियमसली पास होने के बाद हमने उस रेजोल्यूशन को लेके आए और हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब को सबमिट किया, ऑनरेबल एडवाइजर्स को भी उसका कॉपी दिया हमने, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया। तो इस डिवीजन को लेके जिस तरह आप सब जानते हैं, लद्दाख एक दूर दराज इलाका है, जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली क्लाइमेट जो है हमारा बिल्कुल अलग है, हमारा रहन सहन, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी जम्मू और कश्मीर से कोई कॉमनलिटी नहीं है। इसके चलते हम चाहते हैं कि लद्दाख को एक अलग से डिविजनल स्टेटस दिया जाए और एक डिविजनल कमिश्नर के सेटअप में जितने भी 40+ ऑफिसर्स के डायरेक्टर जो जो होता है वो दिया जाए, क्योंकि जब भी हम यहाँ कश्मीर के साथ रख के हमने आज तक महसूस किया कि लद्दाख को चाहे फंडिंग के हिसाब से हो, चाहे जॉब के हिसाब से हो, कुछ भी लिहाज से देखा जाए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। इसलिए हमारा शुरू से स्लोगन रहा है कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, और ये हमारे यूनियन टेरिटरी की तरफ हमारा एक मेन स्टेप होगा।